हेलो एंड वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम फाउंडेशन कोर्स के एनवायरनमेंट के अंदर एक यूनिट वन का टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसको बोलते हैं एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये हमारा कंप्लीट यूनिट वन है, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम डिस्कस करते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो बेसिकली एनवायरनमेंट के चार कंपोनेंट्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड बायोस्फेयर। अब जो एटमॉस्फेयर है, आपको पता है जिस भी चीज़ से आप सराउंडेड है वो आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है। इसकी जो लोअर मोस्ट लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फेयर है, जो कि अप टू 12 किलोमीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस रहती है। ज़मीन की सतह से 12 किलोमीटर तक जो लेयर रहती है वो ट्रोपोस्फेयर रहती है। एंड जो अपर मोस्ट लेयर है वो क्या है, स्ट्रेटोस्फेयर है, ये अप टू 50 किलोमीटर्स ठीक है, और ये अपर मोस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। बेसिकली इससे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रोपोस्फेयर कितने किलोमीटर्स तक है और स्ट्रेटोस्फेयर कितने किलोमीटर्स तक है। देन हाइड्रोस्फेयर इज रिलेटेड टू वाटर, जितना भी हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है वो क्या है, हाइड्रोस्फेयर के अंदर आता है। लिथोस्फेयर मतलब जो लैंड है हमारा वो लिथोस्फेयर के अंदर आता है। एंड बायोस्फेयर मतलब जो ज़मीन पर जितने भी एनिमल्स रहते हैं, प्लांट स्पीशीज हैं, वो जिन चीज़ों से सराउंडेड हैं वो किसके अंदर आती हैं, बायोस्फेयर के अंदर आती हैं। तो बेसिकली ये क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। अब हम बात करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के प्रकारों के बारे में। तो ऊर्जा के क्या होते हैं, दो प्रकार होते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। कन्वेंशनल सोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रेन्यूएबल होते हैं। क्या होते हैं, नॉन रेन्यूएबल मतलब इनको हम फिर से नहीं बना सकते। और जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं वो कैसे होते हैं, रेन्यूएबल होते हैं, मतलब टाइम के साथ ये फिर से रिन्यू हो सकते हैं। और जो नॉन रेन्यूएबल हैं या कन्वेंशनल सोर्सेज हैं, इनको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में और ये इजीली रिन्यू नहीं होते। तो नॉन रेन्यूएबल क्या होते हैं, कन्वेंशनल, और नॉन कन्वेंशनल क्या होते हैं, रेन्यूएबल। अब जो हमारे कन्वेंशनल सोर्सेज हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, पहला होता है कमर्शियल और दूसरा होता है नॉन कमर्शियल। कमर्शियल मतलब इंडस्ट्रियल लेवल पे जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि कोल हुआ हमारा, ऑयल और नेचुरल गैस हुआ, थर्मल पावर प्लांट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो हुई, तो वो क्या है, कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है। एंड नेक्स्ट है नॉन कमर्शियल, मतलब जो फायरवुड हुआ, लकड़ियाँ हम यूज़ करते हैं चूल्हा जलाने के लिए, जो हमारे विलेज एरियाज़ हैं वहाँ पर, हाइड्रो पावर में जो यूज़ होता है और न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो यूज़ होता है वो क्या होता है, नॉन कमर्शियल सोर्सेज ऑफ एनर्जी होता है। देन हम बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स की, तो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी और बायोमास एनर्जी। सोलर एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है। विंड एनर्जी आपने कहीं देखा होगा कि विंड मिल्स लगे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, विंड एनर्जी को जनरेट करते हैं। नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी, ये हमको जो ओशन की वेव्स होती हैं बड़ी बड़ी, वहाँ से क्या मिलती है, टाइडल एनर्जी। देन जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के सरफेस से जो एनर्जी जनरेट होती है वो क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी। एंड बायोमास एनर्जी, ठीक है, ये तो हो गए हमारे सोर्सेज ऑफ एनर्जी। इस टॉपिक पे से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, बहुत ही अलार्मिंग टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो तो हम रिसोर्सेज अच्छे से यूज़ कर ही सकते हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हमको फ्यूचर में भी यूज़ करने में कोई दिक्कत ना आए, तो वो क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब बचा बचा के चीज़ों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हुई हमारी सोलर एनर्जी जो अभी हमने देखी सोर्सेज ऑफ एनर्जी में। तो सोलर एनर्जी क्या होती है, एनहांसिंग द सोलर एनर्जी टू रिड्यूस पोल्यूशन इन द एनवायरनमेंट। जितना ज़्यादा हम सोलर एनर्जी का यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, एनवायरनमेंट में पोल्यूशन कम होगा और एनर्जी बचेगी भी, क्योंकि सन आपको पता है कि हमेशा रोज ही आता है, तो उससे जो एनर्जी वो मिलेगी हमको वो क्या आएगी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आ सकती है। तो नेक्स्ट इज क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन मतलब होता है जो खेतों में हम क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तो हम अगर एक जैसे क्रॉप ग्रो करेंगे तो क्या होगा, सॉइल की जो फर्टिलिटी है उस पर असर पड़ता है। लेकिन जब हम क्रॉप को रोटेशन में, मतलब एक पहले गेहूं बो दिए, फिर नेक्स्ट ईयर हमने नेक्स्ट जो सीज़न आया उसमें वहाँ पर सोयाबीन की ग्रोथ करी, मतलब क्रॉप को हम रोटेट कर करके ग्रो करें, अलग अलग क्रॉप को अलग अलग सीज़न में ग्रो करें, तो हमारी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप अच्छे से इसको और भी रीड करिए आपकी बुक्स में से। फिर नेक्स्ट है कुछ ऐसी एजेंसीज जो गवर्नमेंट एफर्ट्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्रिएट कर रही है, मतलब जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। इनके फुल फॉर्म्स आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं टिक करने के लिए, जैसे कि CEE, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। ये कहाँ पर लोकेटेड है इससे क्वेश्चन आता है, तो इट इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद। और कब इस्टेब्लिश हुई थी, तो ये 1984 में इस्टेब्लिश हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है ये, आप अपना स्क्रीनशॉट्स लेकर के रख सकते हैं और डेफिनेटली आपको इनके फुल फॉर्म्स तो याद करना ही है। देन नेक्स्ट इज UKSN, उत्तराखंड सेवा निधि, ये कहाँ पर है, अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट इज CPREEC, CPR एनवायरमेंटल एजुकेशन सेंटर, इट इज़ लोकेटेड इन चेन्नई। तो ये क्या है, कुछ नेशनल एजेंसीज हैं जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर रही हैं। नेक्स्ट है कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज के नाम हैं और इनके फुल फॉर्म हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लास्ट ईयर भी UNDP UNEP पे क्वेश्चन आया था इनके डायरेक्टली फुल फॉर्म पे से। तो UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये क्या हुआ था 1965 में लॉन्च किया गया था। द नेक्स्ट इज UNEP, UNEP क्या है, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, ये कब लॉन्च हुआ था 1973 में। नेक्स्ट इज WNEP, वर्ल्ड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम, कैम्ब्रिज UK में ये लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट इज WCU, वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन, 1948 में यूनाइटेड नेशंस में ये लॉन्च हुआ था। देन दैट नेक्स्ट है IUCN, इट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है IUCN, जो कि क्या करता है, नेचर को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए बनाया गया है। तो डेफिनेटली इस पे तो क्वेश्चन आते ही हैं। नेक्स्ट है GEF, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी, फाउंडेड इन 1982। WSSD, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अभी हमने डिस्कस किया सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये उसी से रिलेटेड एक फुल फॉर्म है, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड नेक्स्ट इज CSD, कमीशन ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड ये हमारा जो था फर्स्ट यूनिट के कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।